नमस्कार बच्चों, मैं रविता चौधरी और आज हम कक्षा 7 का अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में, जिसका नाम है लट लकार प्रथम पुरुष है त्रिषु वचनेषु। यानी लट लकार का प्रथम पुरुष के तीनों वचन। लकार में ऐसे तो तीन पुरुष होते हैं हमारे, हमने क्लासेस में आपको समझाया था कि तीन पुरुष होते हैं और तीन ही वचन होते हैं और तीन ही लिंग होते हैं। यहाँ पर हम लट लकार यानी हमारा वर्तमान काल, लट लकार किसे कहते हैं, वर्तमान काल को, जो हमारा समय अब चल रहा है उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल लट लकार यानी हमारा प्रेजेंट टेंस। तो उसके प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। लट लकार होता है वर्तमान काल और प्रथम पुरुष क्या होता है, जिसके बारे में कोई बात की जाए या जिसके बारे में कोई बात बताई जाए उसे क्या, वो क्या होता है हमारा प्रथम पुरुष। और एक वचन क्या, और वचन हो गया हमारे, इसमें तीनों आएंगे, एक नहीं तीनों वचन है, एक भी द्वि और बहु, तीनों वचन है। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखिए, और लकार किसे कहते हैं, ये तो हुआ लट लकार की वर्तमान काल, लेकिन लकार का अर्थ क्या होता है, लकार होता है हमारा काल यानी हमारा समय। और जैसे आपने हिंदी में भी क्रिया और काल के बारे में पढ़ते हैं कि काल किसे कहते हैं, समय को ये तो बता दिया आपने। और जहाँ पर क्रिया के होने के समय का ज्ञान होता है, जहाँ पर क्रिया के होने के समय का ज्ञान होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लकार अर्थात काल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, जिससे क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो उसे लकार या काल कहते हैं। संस्कृत में 5 लकार होते हैं, कितने लकार होते हैं, 5, किंतु यहाँ पर हम केवल लट लकार यानी वर्तमान काल का ही अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अध्याय का नाम लट लकार प्रथम पुरुष है। इसके जिसके बारे में कुछ बताया जाए या बात की जाए वह हमारा होता है प्रथम पुरुष। अभी जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि जिसके बारे में कोई बात की जाए बताया जाए, जैसे मैं कहती हूँ वह पढ़ता है, वे दो खेलते हैं, वे सब हंसते हैं, या वे सब बहुत होशियार हैं, वह बड़ा चतुर बालक है, वे दोनों अच्छा नाचते हैं। तो जो भी किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, किसी के बारे में कोई बात होती है, वो होता है हमारा प्रथम पुरुष। अब देखिए, लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के कर्ता। अब हमारा जो लट लकार का तीन जो प्रथम पुरुष है उसके जो तीनों वचन में जिस भी वचन का हमारा कर्ता होता है बच्चों, उसी वचन की हमारी क्रिया भी लगती है। सपोज हमारा कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, हमारा जो कर्ता है वह प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी उसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। बस उसके साथ आपको उसकी क्रिया याद होनी चाहिए, जो हम लट लकार के रूप होते हैं हमारे, उसके जो क्रिया है, जो उसकी रूप हैं, धातु रूप हैं, वो हमें याद होने चाहिए। धातु रूप, धातु किसको कहते हैं, क्रिया को, और संस्कृत में क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो देखिए, अब लट लकार का रूप बनाने के सबसे सिंपल तरीका क्या है बच्चों, सपोज आपके रूप याद नहीं होते हैं तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि हमें उसके प्रत्यय को याद कर लेना चाहिए। हमने प्रत्यय याद करेंगे तो प्रत्यय को हम जिस भी धातु में जोड़ते हैं वह उसका रूप बन जाता है। सपोज यहाँ पे देखिए, लट लकार के प्रत्यय एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों में मैंने प्रत्यय लिखे हुए हैं प्रथम पुरुष के, ती त अंति। अब आप सोचेंगे इसके रूप कैसे बनेंगे, इसके रूप ऐसे बनेंगे, आपकी जो भी धातु है वो पट है, लिख है, हंस है, क्रीड़ है, कुछ भी है, तो वो आप उसमें ती प्लस कर दीजिए। आप जिस भी धातु में आप ती प्लस कर देंगे, तय प्लस कर देंगे, अंति प्लस कर देंगे, तो ये प्रथम पुरुष तीनों वचनों के हमारे रूप तैयार हो जाएंगे। सपोज पट प्लस ती पठती, पट प्लस त पठत, पट प्लस अंति पठंती। अब इसी में आप सोचे लिख धातु ले लीजिए, लिख प्लस ती लिखती, लिख प्लस तह लिखतः, लिख प्लस अंति लिखंती। अब इसी में आप धाव जोड़ लीजिए, धाव प्लस ती धावती, धाव प्लस तह धावतः, धाव प्लस अंति धावंती। तो इस तरीके से आपके रूप बहुत आसानी से आपके याद हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी धातु है बस उसमें आपको ये प्रत्यय ऐड करने हैं, प्लस करने हैं, जोड़ने हैं, और आपके रूप तैयार हो जाएंगे। यहाँ देखिए, अब तीनों लिंग और तीनों वचन में मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं बच्चों, इनको देखेंगे हम। पुल्लिंग, जो हमारा प्रथम पुरुष होता है
प्रथम पुरुष में हमारे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, बाकी मध्यम पुरुष में दोनों सेम होते हैं। जो हमारा प्रथम पुरुष होता है, अभी हम प्रथम पुरुष की ही बात करेंगे क्योंकि हम हमारे जो लेसन में फिलहाल प्रथम पुरुष ही है, तो प्रथम पुरुष में जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं उन वो अलग अलग रूप होते हैं, जबकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक जैसे चलते हैं। देखिए सहपठती, अगर लड़का है तो सह, वह की संस्कृत सह होगी और पढ़ता है कि पठती, वह पढ़ता है। स्त्रीलिंग में अगर आ जाए एक वचन पे तो सा पठती, अगर लड़की है तो वह की संस्कृत होगी सा, और क्रिया हमारी जो भी तो क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा, कर्ता चेंज होगा, केवल कर्ता की संस्कृत चेंज होगी, कर्ता की कर्ता भी चेंज नहीं है, है तो वह ही, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, लिंग चेंज है, तो लिंग चेंज होगा तो क्रिया चेंज नहीं होगी, क्रिया तो जो की त्यों ही रहेगी क्योंकि वह एक वचन में है ये भी और ये भी वह एक वचन में है, तो क्रिया तो दोनों के साथ एक वचन की ही लगनी है, अंतर केवल लिंग का है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग हमारी कर्ता की संस्कृत चेंज हो जाएगी, बाकी क्रिया चेंज नहीं होगी। द्विवचन में आ जाइए तो पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, और अगर स्त्रीलिंग है तो ते पढ़ता है, कर्ता की संस्कृत चेंज हो जाएगी, क्रिया जो की त्यों रहेगी, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, और यहाँ पे ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। अब स्त्रीलिंग में आ जाइए, ते पढ़ता है, वे दोनों पढ़ती हैं, ते किसकी है, दो स्त्रीलिंग में अगर दो है तो वो उसकी संस्कृत ते होती है, और बहुवचन पुल्लिंग में, बहुवचन में वे सब की संस्कृत ते होती है, वे सब ता पठंती, यहाँ आया आपका बहुवचन, स्त्रीलिंग का बहुवचन, ता पठंती वे सब पढ़ती हैं। तो आपने देखा पुल्लिंग में, एक बार फिर देखेंगे, सा पढ़ती वह पढ़ता है, सा पढ़ती वह पढ़ती है, ये स्त्रीलिंग हो गया हमारा। अब पुल्लिंग के द्विवचन पे आ जाइए, तो पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, अब स्त्रीलिंग पे आ जाइए, ते पढ़ता है, वे दोनों पढ़ती हैं। अब बहुवचन का पुल्लिंग आ जाइए, ते पठंती वे सब पढ़ते हैं, ता पठंती वे सब पढ़ती हैं। अब है हमारा नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग हमारा क्या होता है बच्चों, जो चीज़ें निर्जीव होती हैं, प्राणहीन होती हैं, जिनमें जान नहीं होती, उसमें हमारा नपुंसकलिंग होता है, जहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग न होकर अन्य जाति का बोध होता है, निर्जीव जाति का बोध होता है, वहाँ पर हम नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं, वो हमारा नपुंसकलिंग होता है। जैसे तत्मित्रम पठती, अब किसी के मन में सवाल आ सकता है कि ये मित्रम, मित्र तो व्यक्ति होता है, तो ये हमारा बेजान कैसे हो गया, आएगा बच्चों के मन में जरूर प्रश्न, जरूर आएगा, क्योंकि हमारा मित्र है वो तो जान, उसमें तो जान है, हंसता है, बोलता है, खेलता है, पढ़ता है, तो वो कैसे नपुंसकलिंग में आएगा। देखिए अगर यहाँ होता है कोई नाम, राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है, वगैरह वगैरह, अगर यहाँ पे कोई नाम होता है तो हमारा पुल्लिंग बन जाता, चूंकि यहाँ पर नाम न होकर मित्रम लिखा हुआ है, तो ये नपुंसकलिंग का संज्ञा शब्द है, ये हमारा क्या है, ये नपुंसकलिंग का संज्ञा शब्द है, क्योंकि यहाँ पर कोई नाम नहीं है, मित्र मित्र आया है, तो जो हमारा नपुंसकलिंग का संज्ञा शब्द हुआ, तो ये हमारा नपुंसकलिंग हुआ। तत् मित्रम पढ़ती, वह मित्र पढ़ता है, ते मित्रे पढ़ता है, मैंने उसके नपुंसकलिंग के रूप देखेगा ऐसे चलते हैं, एतत् एते एतानि तत्ते तानि, ते मित्र पढ़ते हैं, वे दोनों मित्र पढ़ते हैं, क्योंकि द्विवचन आ गया। अब है तानि मित्राणि पठन्ति, वे सब मित्र पढ़ते हैं, ये हमारा बहुवचन हो गया नपुंसकलिंग का, तो यहाँ पे आएगा हमारा तानि, क्योंकि नपुंसकलिंग के रूप इसी प्रकार चलते हैं। ये देखिए पुल्लिंग के ऐसे चलते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग सेम ही चलेगा, और नपुंसकलिंग के ऐसे चलते हैं। आई बात समझ में? तो बेटा ये था हमारा आज का अध्याय लट लकार का प्रथम पुरुष केवल। नेक्स्ट चैप्टर में आपको मध्यम पुरुष के बारे में बताएंगे। ये हमारा केवल प्रथम पुरुष के तीनों वचन थे, तो आई थिंक आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे सभी बच्चे। धन्यवाद।